नमस्कार। तो ये छोटा सा एक सेशन होता है, इसमें आप घर बैठे बैठे रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं HAS का क्वेश्चन पेपर ना, तो HAS का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसमें अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए, ताकि आपको यहाँ से रिविजन में काफ़ी हेल्प मिल सके ना। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको कमेंट कीजिए, और जो नहीं आते हैं उनको उनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करें। देखिए, डिटेल में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि देखो, मिशन HAS जो हमारा चल रहा है, बजट का सेशन चल रहा है, इकोनॉमिक सेशन चल रहा है, उन सभी में हमने डिटेल में डिस्कस चीज़ों को किया है, इसीलिए हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करते। जस्ट रिवाइज हम आपका यहाँ पर करेंगे। देखो, हिंदी में भी क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ पर जरूरत होगी, और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर स्विस एनवाय WP ब्लेजर पुट अप साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो देखो, ये मिनी स्विट्जरलैंड का बोर्ड कब लगा था, है ना, लगाया किसने था, पहले तो यहाँ से ये याद कर लेना। इनका नाम WP ब्लेजर ना, तो कब लगा था ये? लगाया गया था ऑप्शन ए 7 जुलाई 1992 को, 7 जुलाई 1992 को ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू का ये मैच आपको करना है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्याजदुन वैली दी है, बल्हा वैली दी है, कांगड़ा वैली दी है, और बड़ा शिगरी वैली दी है। देखो, पहले आप बिल्कुल आसान आसान वैली तो देखो, पहले तो सभी ही आसान है, परंतु फिर भी हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे कांगड़ा वैली से, है ना। कांगड़ा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, कांगड़ा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये वैली जो है ये स्थित है धौलाधार और शिवालिक के बीच में। पहले आप देखो कि तीसरे का कहाँ कहाँ पर ए है। देखो, तीसरे में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यहाँ पर आपके पास ए दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गई, इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद बल्हा वैली कहाँ पर है? बल्हा वैली आपको पता है कि मंडी में है, तो ये मंडी में है, तब ये कहाँ पर हो सकती है? तो देखो, बल्हा वैली जो है वो हो सकती है कहाँ पर? शिमला के रिज से ये वैली दिखाई देती है और शिवालिक के बीच में ये वैली पड़ती है ना, तो इसका कौन सा हो सकता है? इसका सी ही इसका सही आंसर होगा। देखो, अब यहाँ से आपने सी भी कर दिया तो आपके पास ऑप्शन बी बच गया, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का। देखो, क्यादुन वैली, क्यादुन वैली कहाँ पर है? ये सिरमौर में स्थित है। क्यादुन वैली जो है वो मारकंडा और धराती रेंज के बीच में स्थित है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पहला ठीक है ना। बलहा वैली कहाँ पर है? बलहा वैली शिमला के रिज से दिखाई देती है, तो शिमला और शिवालिक के बीच में ये स्थित है। उसके बाद बात करें कांगड़ा वैली की, तो देखो भाई, कांगड़ा वैली जो है वो धौलाधार और शिवालिक के बीच में है। बड़ा बंगाल वैली, बड़ा बंगाल वैली धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। देखो, ये बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपने एकदम से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज़ द हाईएस्ट 36% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कई लोग कहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को हिंदी में भी करो, हिंदी में भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सर्वाधिक 36% किस हिमालय क्षेत्र का है? तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो, ट्रांस हिमालय जो है यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो 36% आता है। ये क्वेश्चन वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। चोला और डोरा जो है वो गद्दी की इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव फिर से कहता है कि मैच द फॉलोइंग। मैच आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपके पास कोड दिए हुए हैं ना भाई, देखेंगे इन कोड्स को क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ट्राइब्स दी गई हैं, इनके ट्रेडिशन दिए हुए हैं, तो ये तो हमने कई बार डिस्कस करके रखा है। सबसे पहले गद्दीज को ले लेंगे, गद्दीज का कौन सा है? झंझाड़ा गद्दीज का है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर टू का देखिए सी, एकदम से सभी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन ए आपके पास सही आंसर आ गया। देखो, स्वांगलास का जो है वो है रस्ता तेबिया, उसके बाद गद्दीस का जो है कौन सा है? गद्दीस का है झंझाड़ा, उसके बाद खम्पास का कौन सा है? खम्पास का है पथाकुम, और उसके बाद पंगवाल्स का कौन सा है? तो पंगवाल्स का जो है वो है ऑप्शन ए पिठचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी इनहेबिटेंट ऑफ महानंद माउंटेन्स। कौन सी ट्राइब को ये माना जाता है?
भाई देखो ये माना जाता है ऑप्शन डी किन्नर्स को, किन्नर्स को ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है आउट ऑफ टोटल 55,673 स्क्वेयर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट इज द एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 23,655 स्क्वेयर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगाड़ा डिजाइन। तो देखो नगाड़ा डिजाइन की बात करेंगे तो मसरूर टेम्पल यहाँ पर आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नाइन नेक्स्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है द बसौली स्कूल पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ, तो ये कहाँ पर आई थी, किस राजा के टाइम में आई थी, ये आई थी राजा कृपाल, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश अक्वाइज 1171 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया। तो क्वेश्चन नंबर टेन का कौन सा हो सकता है, ऑप्शन बी ऑब्वियसली द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन है द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज चेंज्ड द नेम ऑफ कन्या सशक्तिकरण एंड कन्या बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ। तो देखो कहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एक बार आप सोच के देखो, देखो इसको कहाँ पर चेंज कर सकते हैं, गुड़िया के नाम पर इसको चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन सी ही इसका और बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन द स्क्रिप्ट। ये कौन सी स्क्रिप्ट में जो है वो चंबा की लिखी गई हैं इंस्क्रिप्शन जो वहाँ पर पाई गई थी, तो ये लिखी गई हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी शारदा और टांकरी लिपि, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जब आप देखेंगे तो हु वॉज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रेटी ऑफ सगौली, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रॉडसॉ, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है लांजी सारो राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये किसके लिए फेमस है, ये ओलाइव की कल्टिवेशन और ओलाइव के डेवलपमेंट के लिए फेमस है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड अबाउट आउट ऑफ 27,436 मेगावाट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश, तो ये 10,519 मेगावाट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन कवर्ड इन केस ऑफ देयर डेथ्स और डिसेबिलिटी, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसका सही आंसर जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, मातृ शक्ति बीमा योजना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। क्वेश्चन नंबर 17 का जब आप सही आंसर देखेंगे तो सॉइल टेस्टिंग इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैच करने के लिए इन्होंने कहा है, देखो भाई जब मैच करने के लिए यहाँ पर कहा है तो गेटी थिएटर सबसे पहले दिया गया है, जब गेटी थिएटर का नाम आएगा तो आपके माइंड में कौन सा चीज़ आनी चाहिए, तो गेटी थिएटर का नाम सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हेनरी इरविन। तो हेनरी इरविन जब आपके दिमाग में है तो आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन डी है हेनरी इरविन, यहाँ से दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गई, दो ऑप्शन आपके पास बच गई। उसके बाद कालका शिमला रेलवे आ गया, तो कालका शिमला रेलवे जब आपके पास आया तो आपके माइंड में हैरिंगटन तो एकदम से स्ट्राइक कर गया होगा, तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शंस में सी दिया गया है। उसके बाद सत्याकाम, तो सत्याकाम जो है वो सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, तो यहाँ से आप इसको कर देंगे ऑप्शन थ्री के साथ मैच। उसके बाद ओल्ड शिमला बैंक, तो अगर ओल्ड शिमला बैंक का आपको नहीं पता है तब चलेगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर है ना। तो ओल्ड शिमला बैंक जो है ये मैच करता है इनके साथ, मैशर बैरेट एंड को के साथ, तो ये ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ब्लैक न्यूड सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल आर सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट, तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं, ये किसका काम है, किसने ये पेंटिंग्स बनाई थी, तो
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, अमृता शेरगिल। ये आप मान के चलिए कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है वो सभी वेट ऑप्शंस को वेटेज दी गई थी। तो ये हमने एचपी सेक्शन डिस्कस कर लिया इस छोटे से सेशन में, है ना। तो एचपी जीके का रिवीजन आपका अच्छा यहाँ से हो गया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।